लॉकडाउन में आपको किसी ना किसी कैरेक्टर से एक्टर से जरूर मिलवाते हैं, तो आज आपको ऐसे एक्टर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने सीरियल सुमित सुमालेगा में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निभाया था। वो कैरेक्टर था रजनी सवालिया का। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी जान अच्छी खासी जगह बनाई है। केसरी मूवी से मसाला स्टेप्स हो, मनी कर्णिका हो, हर तरह की मूवी में काम किया है। मेरे साथ है एक्टर विक्रम कोचर, इनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे और इनके सफर के बारे में भी बातचीत करेंगे। विक्रम, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू बिनु जी, आई कैन सी यू। अब नजर आ रहे हो? आपका वीडियो ऑफ है शायद। नहीं तो बराबर है मेरा तो। नीचे एक वीडियो का साइन है, ये देखिए मैं गया। हाँ आ गए। अब आ रहा आपको नजर? हाँ नजर आ रहे हैं? नहीं आप नजर नहीं आ रही। ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड, मेरा तो एंगल भी ठीक है। इससे पर नीचे नीचे एक वीडियो का साइन है, जहाँ पर ये फोन कट करने का साइन है ना, वहाँ पर एक वीडियो का साइन है, उस पर एक बारी प्रेस कीजिएगा। कर दिया मैंने उससे। उस पर वीडियो पे क्रॉस तो नहीं लगा? आ गया, नहीं तो वे आ रहा आपको नजर? नहीं ये स्नैपशॉट आ गया। ये क्या प्रॉब्लम है? रुको, तो क्रॉस नहीं लगा हुआ। क्या हो रहा अभी आ रहा आपको? आया, यस आ गया। थैंक यू। तो भी दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। लॉकडाउन चल रहा है, आपको लॉकडाउन के दौरान किसी ना किसी हस्ती से जरूर रूबरू करवाते हैं। आज आपको ऐसे एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सीरियल सुमित सुमालेगा में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निभाया था। वो कैरेक्टर था रजनीश वालिया का। इसके अलावा इन्होंने केसरी, मसाला स्टेप, मनी कर्णिका जैसी फिल्मों में काम किया है। मेरे साथ हैं एक्टर विक्रम कोचर, इनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे और इनके सफर के बारे में भी बातचीत करेंगे। विक्रम, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। तो पहले हम लॉकडाउन से शुरुआत करेंगे। लॉकडाउन में क्या कुछ कर रहे हो आप? कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? आई थिंक जो कि जितने भी सारे लोग हैं घर पे, सबसे पहले तो मैं कुकिंग नहीं करता था ज़्यादा, और मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग आता था, मतलब चाय और मैगी बनाना आता था, दैट्स व्हाट आई न्यू अर्लियर। पर अब हर तरह की सब्जी बना रहा हूँ, हर तरह की दाल बना रहा हूँ और नई नई कुछ कुछ डिशेज बना रहा हूँ, सो आई एम एंजॉइंग माई कुकिंग, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा ये है कि इसी लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ पढ़ने का जो मन था, जरा तुसी बिजी रहते हो अपने कमा विच, तो लाइफ में जरा भी बिजी स्केड्यूल रहता है, जब भी तुसी शूटिंग पे जाते हो या कितने और जाते हो, तो एक कोई चीज़ तुसी पढ़ सकते हो, वो हैगी तुहाडी स्क्रिप्टा जिहड़ी तुहानू मिलनी है। तो जिन्नी भी किताबां सी जो बहुत समय नाल मतलब इकट्ठी करके, एयरपोर्ट तो कभी तुसी खरीद ली, कभी किसी बुक स्टोर तो खरीद ली, कभी किसी रेलवे स्टेशन तो खरीद ली, वो सारी इकट्ठा होके ना एक जगह पे पै गई थी। तुसी 10-15 पन्ना पढ़ के जिन्नी भी हुंदे सी बुक नू तुसी साइड लगा देते, तुहाडी लाइब्रेरी विच कलेक्शन नुमा इकट्ठी हो गई। तो हाले वो समय मिला, इन्ना खाली समय है तो हाले वो समय मिला, वो किताबों नू उठा कर मैं थोड़ी थोड़ी जी कहानियाँ, तो जैसे मेरे मेरे को एक किताब हाल ही में पढ़ रहा है, किताब का नाम है राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल की एक किताब है, हिंदी में छपी, तो बड़ी बढ़िया किताब है और बहुत लोगों ने पढ़ी भी है। मैं कभी उस किताब ने पूरा नहीं पढ़ सकी थी, तो हाल ही मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट ये मौका मिला मैंने कि उस किताब को उठा, तो जड़ी भी पुरानी पेंडिंग किताब से उन्होंने पूरा कर रहा। तो ये दो चीज़ें हैगी जिन्होंने मेरा ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई कर रखा है, ये जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज करने का मौका मिल रहा है आपको लॉकडाउन में? ये रीडिंग बताया जैसे मैंने आपको, रीडिंग के अलावा और कुछ क्या कर रहे हो आप? जैसे कुछ लोग, कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई फिटनेस पे वर्कआउट कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई फैंस के साथ सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ? ये जो आप चीजें कह रही हैं ये तो इक्का दुक्का हो ही जाती हैं शाम को कभी। अब तो नए नए ऐप्स आ गए हैं, वेबिनार आ गया है, एक वेबिनार सेशन भी मैं हाल फिलहाल करने वाला हूँ, सो इसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ क्या कहते हैं इस चीज़ के लिए जुड़ना चाहते हैं, कि जानना चाहते हैं कि एक्टिंग क्या है, तो अपने ऑडियंस से थोड़ी बात करने का मौका मिल रहा है, जैसे आपसे भी अभी ये रूबरू होने का मौका मिला, तो लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है,
व्यायाम और कसरत की जहां तक बात है, तो हाँ वो एक रेगुलर चीज है जो कि सुबह उठ के भले ही रोज अल्टरनेटिव डेज पे करा जा रहा है। कुछ कुछ ऐप्स हैं, जैसे मैं पर्सनली जो ऐप इस्तेमाल करता हूँ वो NTC है, नाइकी ट्रेनिंग क्लब करके है, फ्री ऐप है। उस ऐप में एक्सरसाइज है और जितनी एक्सरसाइज है वो आपके साथ साथ करता जाता है, आप करते रहो उसके साथ साथ, अपना आप स्केड्यूल बना लो। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी इस टाइम पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बड़ा कुछ हो रहा है, तो खबरें जेड़ी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जी। जैसे हाले असी सुने से पेट्रो डॉलर का मामला चल रहा है, सब उथल पुथल मची हुई है, डॉलर का दाम घट रहा है, तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स कितने होनी चाहिए जेड़ा पैसा है इस वक्त, बिकॉज ये जेड़ा वक्त हैगा, ये रिसेशन का वक्त भी हैगा। तो ये जेड़ी खबर है रिसेशन वाला वक्त जो होता है जरूर, हाँ ये बात जरूर है, हम सबको घाटा होता है, हम लोग घर पे बैठे होते हैं और हमको पता नहीं होता, आप कह रहे हैं क्या भाई हम सिर्फ अपनी सेविंग खा रहे थे, पर इसी जो सेशन है, ये जो चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, इस टाइम का फायदा और मौका कैसे इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें आप इस मौके को, वो सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ी बहुत रिसर्च चल रही है। अब बहुत सारे दुनिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस चीज़ का बहुत फायदा उठाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही जाती है कि भाई रिसेशन जहाँ पर महामारी आती है, तो महामारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी साथ में लेके आती है। नए नए बिजनेस के आइडिया निकाल सकते हैं आप, नई नई चीज़ें कर सकते हैं इस टाइम पे आप। सो ये वक्त है तब्दीली का, दिल छोटा करने का नहीं है और ना ही कुछ दिमाग लगाने का वक्त है, मेहनत करने का वक्त है। इस समय पे अगर इंसान अपनी दिमाग लगाए, अपनी चीज़ों को समझे, अपने आसपास इर्द गिर्द सोशल पॉलिटिकल जेड़े भी माहौल है ये, उनका जायजा ढंग से लें, तो हम बेहतर समाज बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब ये पर्सनली तो मैं करता ही हूँ, ये पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो काफी सारी नई चीजें हैं और अब मजा आने लग गया है। मतलब 7 दिन के बाद अब थोड़ा थोड़ा मजा लेना सीख लिया है, तो मजा आने भी लगा है। तो आपने खुद में क्या बदलाव देखा है इस लॉकडाउन के दौरान, पहले के मुकाबले क्या क्या चेंजेस आए आपने आपने काफी चेंजेस हैं इनफैक्ट। एक तो भाई हमारे जीवन में पैसे की होड़ में लगे हुए हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमा के अगर मैं कोठियां खरीदनी है, घर खरीदने हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, वो हॉलीडे पे जाना, इधर जाना, उधर जाना, अब सडनली इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट जीरो हो गई है। ना गाड़ी च पेट्रोल डलाना है, ना तुहाडे घर च कोई बाई आ रही है जो तुहाडा कम कर दे, जेडे तुहाडे सारे कम है वो तुहाडे कम है। तो अपने आप से जो रूबरू होने का हिसाब किताब था ना, वो इस वक्त ज़्यादा है। हर तरह की फीलिंग आके गुजर के चली गई है, मतलब आपने फ्रस्ट्रेशन फील कर ली, आपने गुस्सा फील कर लिया, आपने प्यार भी महसूस कर लिया, आपने अकेलापन भी महसूस कर लिया। तो बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही हैं, पर ओवरऑल ये सारी चीज़ें ना मतलब ओवरऑल आपको ही अपने बारे में कुछ बता के जा रही है। ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इनफैक्ट एक्टर के लिए भी अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं एक्टर सॉलिट्यूड, तो हमेशा सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, तो हमेशा ये एक्टिंग में भी सिखाया जाता है। मैं जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, उधर भी हमको बताया जाता है कि एक एक्टर को ना हमेशा सॉलिट्यूड में रहना चाहिए, अपने अकेलेपन के दायरे में रहना चाहिए, दुनिया उसके आसपास से फिर बनती है। वो होता है ना जी, छोटा सा बीज होता है, फिर उसका पौधा निकल के धीरे धीरे करके वृक्ष फैलता है। तो वैसे ही किरदार का भी जन्म होता है, छोटी सी बात पकड़ के अंदर रख के उसको धीरे धीरे करके उस सीड को पकड़ के धीरे धीरे उसका वृक्ष बनाना होता है किरदार में। तो उसको जो बीज होता है, जब बीज आप धरती में डाल देते हो तो उसको सॉलिट्यूड की बहुत ज़रूरत होती है, उसको उसका पानी दे दो, उसको धूप, उसका नेचर से जो मिल रहा है वो नेचर से लेकर अपने आप पनपेगा, फिर बाद में जब बड़ा हो जाता है तो चिड़िया गिलहरी आएंगी, चिड़िया आ जाएगी, तो वो अच्छी चीज है। तो ये एक चीजें हैं और चेंजेस उस लिहाज से थोड़ी जागरूकता बढ़ गई है अपने प्रति, आपको मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इमोशंस के थ्रू आप गुजर रहे हैं, तो अब अपने आप से सवाल, अपने आप से जवाब जो थे, अपने से बातचीत जो थी, आई थिंक वो थोड़ा बेहतर हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट तो हो गई है, डेफिनेटली डिफिकल्ट हो गई है। आपको बाहर जाने का मन करता है, हम ऐसे लोग तो हैं नहीं, हमारा आदत है हमारी कि हम लोगों से मिलें, बाहर जाएं, थोड़ा घूमें फिरें,
बातचीत हो, लोगों के घर जाए, लोगों को अपने घर बुलाए, तो बहुत मिलनसार वाला सोसाइटी है हम हिंदुस्तानियों का। हम अकेले वैसे भी नहीं रहते थे, पर इस दौरान इस मुश्किल घड़ी में भी मेरे ख्याल से अपने बारे में जानना, अपने व्यवहार के बारे में जानना, अपने स्वभाव के बारे में जानना, इन सब चीज़ों को चिंतन करने का मौका मिला है, अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देने का मौका मिला है, तो वो चीज़ अच्छी चीज़ें। मैंने अभी बीच में मूछें उगाई और बीच में दाढ़ी उगाई थी, दाढ़ी कम कर लिया, मूछें बड़ी करके देख रहा हूँ, तो अलग अलग लुक्स में कैसा लगता है वो भी टेस्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मस्ती भी हो रही तो है। मतलब हाँ, मतलब वो इंटरेस्टिंग बन रहा है आपका लॉकडाउन, ऐसा कह सकते हैं। तो हाँ मतलब बनाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपके टीवी और फिल्म के सफर की बात की जाए, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने सुमित संभाल लेगा में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, रजनीश वालिया, काफी पसंद किया गया था आपके फैंस द्वारा, दर्शकों द्वारा। उसके बाद आपने फिल्म की बैक टू बैक, केसरी की, मसाला शख्स की, हिस्टोरिकल कैरेक्टर किया नाना साहब का, मणि कर्णिका में, वो कितना इम्पैक्ट डालता है एक एक्टर पे, जो अलग अलग किरदार हम निभाते हैं फिल्मी पर्दे पे, अलग अलग जोनर्स के, वो चीज़ कितनी मैटर रखती है, टीवी हो या बॉलीवुड हो? सबसे पहली बात तो बीनू जी, मेरे ख्याल से एक्टर का जो एक्टर चीज रिफ्लेक्ट करता है, एक्टर का काम जो होता है वो दरअसल जिंदगी के स्निपेट दिखाना है, तो उसके पास जितना एक्सपीरियंस होगा वो उतना बेहतर शेयर कर पाएगा आपसे। तो आपको तो फिर हम एक्टर्स का काम ये हुआ कि हम अपने एक्सपीरियंस को लगातार अपने बेसिस पे एनरिच करते रहें, वो उसमें जितनी क्वालिटी तुम जोड़ सकते हो तो सारी क्वालिटियाँ जितनी बढ़ा सकते हो उनको बढ़ाओ। और अपनी क्राफ्ट अलग चीज़ है, क्राफ्ट होनी चाहिए आपको, आपको समझ में आना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस बढ़ाने के दो चार तरीके हैं। तो जैसे पढ़ सकते हो आप, लोगों से बातचीत कर सकते हो, जगह जगह घूमो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ो, इंटरनेट पे जाओ, इंटरनेट पे अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, उसके ऊपर बहुत सारी वेब शोज देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से इंसान को सीखने को ही मिलता है। तो इस जर्नी के दौरान आई थिंक ये जो धीरे धीरे करके टेलीविजन से फिल्म्स, फिल्म से कभी वेब शोज, जो मैं अपने में तब्दीलियां देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि इंसानी तौर पे मुझे ज़िंदगी की समझ थोड़ी बेहतर आती जा रही है, और जैसे 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 काम बढ़ रहा है तो जैसे जैसे काम बढ़ रहा है उतनी समझ और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उतना आपको हमको तो स्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, लोग अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की बातें अपने एक्सपीरियंस से लिख के लाता है स्क्रिप्ट राइटर, तो आपको 100 स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो 10 करेंगे, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं होगा, लेकिन 100 पढ़ना तो चाहिए। तो हमको जितनी पढ़ने को मिलती है हमारा विजन उतना खुलता है, हमें लगता है अरे ये तो हमने अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था पर ये जिंदगी में होता है, तो ऐसी जिंदगी के बारे में और पता लगता रहता है। तो आप मेरे ख्याल से एज एन एक्टर, एज यू कीप डूइंग वर्क, आप ग्रो करते हैं एज अ पर्सन ऑल्सो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और जब आपका तजुर्बा बढ़ता है जीवन में तो आप जाहिर सी बात है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से ज्यादा सॉर्ट कर पाएंगे। इंसान और बेहतर होंगे, आपको बतो जो अच्छा, आपका लगता है। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है अभी तक, जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे वो रजनीश वाले का हो, या ट्रिप टू भानगढ़ का हो, सेक्रेड गेम्स का हो, मसाला स्टेप्स हो, या फिर मणिकर्णिका हो, या और फिल्में हो, विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर जिसको आपने खूब इंजॉय किया हो? हेलो, हाँ, मैंने कहा आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर रहा है जिसको आपने खूब एंजॉय किया हो, ऐसा कोई किरदार आपका? आवाज आ रही है आपको? क्या हो रखा? हाँ मैंने जी, कहा हाँ आप जी, मैंने कहा आपका कौन सा फेवरेट किरदार रहा है आपने जब अब तक जितने भी कैरेक्टर्स निभाए, चाहे वो रजनीश वाले का हो, या ट्रिप टू भानगढ़ का कैरेक्टर हो, या मसाला शख्स का हो, या मणिकर्णिका का हो, सेक्रेड गेम्स का हो, आपका कौन सा ऐसा, आई मीन विच इज योर फेवरेट जो आपने एंजॉय किया हो, ऐसा कोई किरदार? सच बोलूं तो जो किरदार जब कर रहा होता हूं तो उस समय वो फेवरेट हो जाता है। और मतलब अभी आपने सवाल पूछा तो मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, तो सोचते सोचते मुझे लगा कि अरे वो करने में तब मजा आ रहा था, लेकिन हाँ वो दोबारा करना चाहूंगा तो ऐसा लगा कि नहीं वो उस समय कर दिया था,
अब दूसरी बार कुछ और किया तो वो करने में और मजा आया। फिर जैसे जैसे चीजें मिलती रही, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी कुछ और भी काम आने वाला है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुक गया और शायद अभी लॉकडाउन के बीच में ही कुछ और काम भी आए। तो कोशिश मतलब हर किरदार को पकड़ने के लिए हमेशा एक अलग तरीका ढूंढना पड़ता है, और कोई ऐसा स्थायी फॉर्मूला नहीं है कि ये अप्लाई कर दो तो किरदार निपट जाएगा आपका। आपको हर बारी एक नए तरीके से चीज बनानी पड़ेगी, नया तरीका, नई नई फॉर्म, तभी तो वो आर्ट है। और आप नए नए तरीके, नए नए जरिए के जब जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए नए किरदार मिल जाते हैं। जैसे केसरी में अब एक पंजाबी सरदार का किरदार था, उसके लिए हमने महीना भर प्रैक्टिस करी और उसकी हिस्ट्री बनाई, उसका बैक स्टोरी बनाई। चलो एक फिल्म में आप ये कर पाए, आप वही सीक्रेट गेम्स में आपको मतलब मनमर्जिया में जो किया था उसमें पता ही नहीं था, उसमें तो आप बस पहुंच गए, आपका एक डायलॉग आपको दिया तो उसके अलावा कोई डायलॉग ही नहीं था, बाकी सब डायलॉग आपने वही सेट पे जाके बोलना शुरू कर दिया। एक्टर और दूसरे मतलब एक्टर को एक्टर के बीच में गिव एंड टेक हुआ, डायरेक्टर को अच्छा लगा, उसने कट नहीं बोला, उसने रिकॉर्ड करता रहा और उसने बोला बड़ा अच्छा है फिर से करते हैं, उसको बोलो जो बोलना है। तो हर किरदार के अलग अलग जर्नी है और हर किरदार में एक अपना मजा तो आया। मैं आपको फेवरेट सही में नहीं बता पाऊंगा, शायद शायद ये रीजन भी है कि अपना फेवरेट अभी तक किया नहीं, क्योंकि जिस दिन अपना वो कहीं ना कहीं फेवरेट लगता है कि रजनीश वाले का कैरेक्टर आपका फेवरेट कैरेक्टर बोल सकते हैं, सुमित संभालेगा या उसके अलावा कोई और? मैं वही बोल रहा हूँ कि हर किरदार को करने में अपना मजा, मैं फेवरेट कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि तो वही अभी जो मैंने किया, अभी मैंने एक काम आने वाला है रक्तांचल करके, हमारी एक सीरीज है एमएक्स प्लेयर में, वो आएगी आई थिंक ये 30th के आसपास या जून बिगिनिंग में आ जानी चाहिए। तो उस सीरीज में एक बहुत ही अलग तरीके के किरदार के, कभी मैंने ऐसा काम ही नहीं किया था, उसमें मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। वो बंदा मतलब वो है कॉन्ट्रैक्ट किलर है और अजीब सा मजाकिया सा आदमी है, पागल सा है। तो उसको करने में अभी हाल फिलहाल में तो मैं उसी की ट्रिप पे हूँ कि वो किया था तो बड़ा अच्छा लगा, कि अरे वो किया बड़ा मजा आया, वो ट्रिप उतरेगी तो दूसरी ट्रिप चढ़ेगी। पर हाँ अमूमन तौर पर ये होता है कि मजे जरूर आने चाहिए जब आप अपना काम कर रहे हैं तो। ज्यादा विक्रम आप ज्यादा पॉजिटिव किरदार को एंजॉय करते हो, नेगेटिव किरदार को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है ना एक एक्टर को, कि वो जब नेगेटिव किरदार निभाता है चाहे उसका फेस चॉकलेट बॉय टाइप हो फिर भी उसको नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो दिया जाता है, बट उसको करने में किसी चैलेंज या टास्क से वो कम नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप कॉमेडी ज्यादा आप पे सूट करती है, नेगेटिव कैरेक्टर आपको दिया गया हो, आपको लगा कि किसी टास्क या चैलेंज से कम नहीं है, ऐसा कभी फील हुआ हो? चैलेंजिंग होते हैं किरदार, सब किरदार होते हैं, क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप किरदार पे काम नहीं करोगे और उसको सरसरी तौर पे करना शुरू कर दोगे तो फिर आपको क्यों बुलाया गया है वो किरदार करने के लिए, सबसे पहली बात तो ये। और अगर आप वो चीज कर रहे हो तो आपको उस किरदार में अपनी समझ बूझ अपना एक्सपीरियंस तो डालना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं, ये काम तो बहुत जरूरी है। रही बात किरदार, मुझे पर्सनली किरदार वो करने में मजा आता है जिसमें शेड्स हो, जिसमें वैरायटी हो। अगर मुझे बोल दिया जाए कि मेरा किरदार है कि एक पति है, एक वाइफ है, उसका पति है, अब ये पति 9 से 5 की जॉब करता है, शाम को आके सोता है और 9 से 5 की जॉब करता है, और एक टिपिकल गवर्नमेंट सर्विस काम करने वाला आदमी, तुम बोलूंगा ये किरदार अब किसी से भी करवा सकते हो, इसमें क्या मतलब आप कर दोगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन रही पर्सनल मजे की बात, तो मैं चाहूंगा कि इसके और एस्पेक्ट निकल के आए। ये 9 से 5 की जॉब में जाता है, हमेशा ऑफिस लेट पहुंचता है और हमेशा हर चीज में 15 मिनट लेट ही चल रहा होता है जीवन में। मुझे मिल गया कुछ करने के लिए, कि ये इंटरेस्टिंग चीज है एक आदमी की जो हमेशा हर जगह पहुंचता तो है लेकिन हमेशा 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो वो बेचारा अच्छा काम भी करता है तो लोग उसे यही बोलते हैं कि यार तुम पंचुअल नहीं हो, तुम हमेशा लेट पहुंचते हो। और इस आदमी के दिमाग में जाहिर सी बात है तब ये कॉन्सेप्ट बनेगा ना कि यार तुम अच्छे काम को पंचुअलिटी से क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा काम होता है और अनपंचुअल होना अनपंचुअल होता है, उसको एक चीज में मीटर में नहीं नाप सकते। इस इंसान की ये सोच बनेगी तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो
वही है, जब तक किरदार में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं होंगी तो मजा नहीं आएगा। और अगर आप मुझे सिंपल किरदार दे देंगे, जैसे मनमर्जिया में मुझे जो किरदार मिला था, घर के नौकर का किरदार मिला था, उन्हें बोला था आप इस घर में नौकर हो, हाउस हेल्प हो, तो बस यही किरदार है आपका। अब उसको इंटरेस्टिंग ऐसा बनाना पड़ा कि दिमाग में आपने सोचा कि आप ऐसे हाउस हेल्प हो जो कि बचपन से इन लोगों के साथ रह रहा है। तो उसने हमेशा अभिषेक बच्चन को अपना बड़ा भाई माना है, भले ही वो घर के सारे काम करता है, उसका अपना कमरा है, लेकिन रहता वो ऐसे ही जैसे ये मेरा घर है, और वो बड़े भैया करके ही बात करता है, और फैमिली की तरह रहता है, फैमिली की तरह रहता है, मम्मी जी को मम्मी जी बोलता है, मालकिन नहीं बोलता, स्कूटर उठा के साफ करा के चला जाता, कहाँ गया था, पेट्रोल बनाने गया था, पेट्रोल न भराऊं, लाओ पैसे दो, 100 रुपए डल गए इसमें, वो तनख्वाह भी लेता है और काम भी करता है। तो उसको उस तरीके का फ्लेवर दिया ताकि वो इंटरेस्टिंग बने, उसमें फ्लेवर्स आए, उसमें वैरायटी है, ये है। तो फेवरेट जॉनर क्या रहा आपका टीवी और बॉलीवुड में? मुझे एक्चुअली सच बोलूं, आपके पिछले सवाल का ही ये दूसरा रूप है सवाल का, तो मतलब किरदार हर तरह का निभा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर जॉनर सेट किया है कि मुझे तो यही जॉनर करना है, एक जॉनर पे स्टक नहीं हुआ, हर तरह का किरदार निभा सकते हो? हाँ, मेरा बेसलाइन जब मैं आया था बॉम्बे में तो दिमाग में एक बात घूमती रहती थी, यार वर्सेटाइल एक्टर बनना है, क्योंकि उसकी कमी लगती है, मतलब आप अपनी जगह ढूंढते हो तो आप अपनी जगह वहां भी ढूंढते हो जहाँ आप अपना दिमाग लगा के आप ये सोचते हो कि किस चीज की कमी है जिसको आप पूरा करोगे। तो बॉलीवुड में सब कुछ बहुत इमेज ओरिएंटेड था जब हम भी एंटर कर रहे थे, तो हर एक्टर की एक इमेज बनाने पे हिसाब किताब तुली हुई थी। अभी भी काफी कुछ ऐसा है, पर वो बहुत कुछ टूटा है थैंक्स टू हमारे बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं, इरफान साहब रहे, फॉर मैटर राजकुमार राव हैं, नवाज भाई हैं, इन सब ने इमेज को तोड़ा है कि एक इमेज पर्टिकुलर इमेज को लेकर जीते हैं। जैसे अब सलमान भाई हैं, सलमान खान जी को आप जब उनके किरदार में आप जब स्क्रीन पे देखने जाते हैं तो जनरली अगर वो कुछ और करेंगे तो मैं बोलूंगा आप प्लीज सलमान खान को देखने आए हो, मुझे सलमान खान दिखाओ। तो वो एक एक फॉर्म था जो कि है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन खुद को लगा कि अगर आपको अपनी जगह यहाँ पर बनानी है तो मेरे ख्याल से अपनी जगह वहां बनेगी कि ये बंदा हर तरीके का किरदार कर सकता है। मैं आपको टिकने नहीं दूंगा कि आपको मैं आप मुझे किसी एक खाचे में डालोगे, मैं वहां टिकूंगा नहीं, मैं भाग जाऊंगा वहां से, मैं अगले पल दूसरा कोई और तरीके का रोल कर रहा, अगर वो सिमिलर रोल्स होते हैं मैं खुद ही मना कर देता हूं उन रोल्स को। मैं जनरली ये कहता हूं कि ऐसा मैं कर चुका हूं, मुझे मत करवाओ, या अगर सिमिलर मिल गया है और वो आपको करना ही है क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है या फिर अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, अच्छे पैसे है और आपको करना ही है, तो फिर आप उसको अलग तरीके से करेंगे, उसका पूरा कैरेक्टराइजेशन बदल दूंगा ताकि वो उससे सिमिलर ना लगे। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो नेगेटिव रोल्स करने में थोड़ा ज्यादा वर्सेटैलिटी मिलती है। ओके, तो अगर टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, एक टीवी ऐसा माध्यम है जो ऑडियंस तक इजीली पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं लगता है कि जब जब आप बॉलीवुड में काम करते हो वो टीवी का जो बेस है वो आपसे उसका जो कनेक्शन है एक किस्म से टूट जाता है, आप उसकी ऐसी चीज कोई ना कोई मिस करते हो कि टीवी से गया था एक्टर अभी बॉलीवुड में काम कर रहा है, अब इसका जो बेस है वो बॉलीवुड में बन चुका है, अगर वो दोबारा टीवी में जाएगा तो वो चीज कहीं ना कहीं लगता है कि जैसी उसकी एक एक्टिंग का स्केल था वैसा हो पाएगा, या उसमें बॉलीवुड का एक स्टाइल है वो उभर के देखने को मिलेगा ऑडियंस को, वो टीवी वाली बात रहेगी नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगा आपको? मीनू जी, अमूमन तौर पे जितने एक्टर्स हैं वो टीवी जनरली टीवी को थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि टीवी में बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो आपको सोचने समझने का समय नहीं मिलता, तो आप आओ और जल्दी जल्दी फैक्ट्री में आकर अपनी लाइंस बोलो। इसका रीजन भी यही है कि आपको हर रोज नया एपिसोड देना है, तो आपको एक दिन में 18 मिनट की फुटेज मिनिमम निकाल के देनी देनी है, तो एक प्रेशर होता है कि एपिसोड जाना है, ज्यादा गणित मत लगाओ सर, लाइन बोलो और घर जाओ, तो टीवी में ये एक प्रेशर रहता है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब मैं टीवी में काम कर रहा था कि मैं टीवी के इस बैरियर को तोड़ दूं और टीवी में इस चीज का लिहाज करके कि भाई कोशिश ये करी जाए कि टीवी टीवी में भी एक अच्छे एक्टिंग की कला की जा सकती है, पर उसमें मेहनत बहुत लगती है,
मेहनत बहुत लगती है और टाइम, क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो आपको कॉन्स्टेंटली उस पर जूझे रहना पड़ता है। आप एक अलग मेंटल फ्रेम और एक अलग मेंटल स्थिति में चले जाते हैं तब, और उसमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है काम का। सो जाहिर सी बात है टीवी की रेंज इतनी है, क्योंकि टीवी बहुत समय से, सालों से गांव गांव में टीवी देखा जाता है, तो आप उस ऑडियंस से तो कट जाते हैं कि अगर मैंने टीवी का एक शो भी किया, जैसे सुमित संभालने का आज से 4-5 साल पहले किया था, आज तक लोग उससे कनेक्ट करते हैं और बात करते हैं उस बारे में। उसकी रेंज देखिए, उसके बाद मैंने बहुत शोज कर लिए, बस उसमें से सीक्रेट गेम्स एक लोगों ने देखा, किसी ने केसरी देखी, या किसी ने, और बहुत कम लोगों ने मनमर्जियां देखी, उसके अलावा जानते ही नहीं कि मैंने और क्या काम किया, तो बाकी काम तो उन तक पहुंच ही नहीं रहा। बाकी काम तो सिर्फ थोड़े बहुत लोग जाने जिनको बताना पड़ता, सर ये भी किया, सर वो भी किया, और Z5 पे चले जाए तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ नाना करते 5 सिने प्लेस पड़े हैं, जी थिएटर के प्लेस पड़े हैं, आपका भ्रम करके एक वेब सीरीज है उसमें नेगेटिव लीड किया था, वो है, अभी MX प्लेयर पर 2 शोज हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है, ये वाली चीजें, पर एक्टर के तौर पे हर एक्टर चाहता है कि उसको थोड़ा टाइम मिले ताकि वो अपनी कला को एक दिशा दे सके। तो जनरली एक्टर्स जो है वो टीवी को छोड़ के बॉलीवुड और इस तरफ भागते हैं, क्योंकि इधर समय मिलता है और कहानी ना कुछ समय तक के लिए होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती। हेलो, तो बेस्ट एक्सपीरियंस क्या आपके लिए साबित हुआ है टीवी और बॉलीवुड में? हाँ, आपकी आवाज आ रही है विक्रम जी, मुझे आ रही है आपको आवाज? हेलो, आप सुन पा रहे हो मुझे? हेलो हेलो विक्रम जी, आवाज आ रही है आपको? भैया टीवी बंद करना पड़ेगा, वो इंटरनेट का कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? लेकिन आप तो फिर से अटक गए हो। हेलो रेनू जी, सुन पा रहे हैं? आपका नेटवर्क का इशू बहुत आ रहा है, अभी फिर से अटक गए हो आप। हेलो 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 विक्रम जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ बिनू जी, तो बहुत बहुत नेटवर्क का इशू, बहुत ज्यादा। सुन पा रहा हूँ जी, सुन पा रहा हूँ। बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा, बेस्ट एक्सपीरियंस टीवी बॉलीवुड में आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा साबित हुआ है अभी तक? अलग अलग एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिला, वो अक्षय कुमार हो, अभिषेक बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, और एक्टर्स हो, मणिकर्णिका का मूवी की आपने जैसे वो हिस्टोरिकल ड्रामा थी, अच्छा सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस अगर मैं आपको कहूँ जो मुझे याद रहती है, मतलब वो ऐसा है जो मुझे बहुत कुछ सिखा के गया, मेरी एक्टिंग स्टाइल में भी फर्क रहा, मुझे सीक्रेट गेम्स करने में दैट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ काम किया, उस दौरान मैंने सीखा बहुत कुछ, मतलब उनसे एक तो वो एक्टर बहुत बीच में कहीं ना कहीं ये भी लगा बीच में कि ये एक बोल्ड टॉपिक है, वेब सीरीज मोस्टली बोल्ड टॉपिक पे बेस्ड होती है, अब इसमें 80+ लिखा होता है, जैसे सेक्रेट गेम्स का बोल्ड टॉपिक था, आपको कहीं ना कहीं लगा कि मैं कर रहा हूँ ऐसा कुछ इमेज पे एक्टर की होता है कि इसने बोल्ड मूवी किया, एक्टर हर तरह का ही जो रोल है वो बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन कर लेता स्क्रीन पे, ऐसा कोई फंडा नहीं है, बोल्ड आपके मतलब है ही नहीं, वर्ड है ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हर कहानी के चीज होती है Until उसकी नेसेसिटी नहीं है, जैसे गालियां भी बहुत समय आजकल जो गालियां दी जाती हैं या इस वजह से दी जाती हैं कि आपको पॉपुलैरिटी मिल जाए, तो वो किरदार से तो हट के बात कर दी ना आपने। तो जब तक किसी चीज की नेसेसिटी नहीं है उस चीज को नहीं दिखाना चाहिए, उस चीज को नहीं बोलना चाहिए। सीक्रेट गेम्स एक बोल्ड सीरीज थी, लेकिन कभी आपको उस बोल्ड सीरीज को देखते वक्त आपको कभी ये नहीं लगेगा कि लस्ट की एक फीलिंग नहीं आती है, आपको उनकी दयनीय उनकी स्थिति दिखती है, उनकी व्यथा दिखती है, उस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जब आप पूरी सीरीज को देख रहे होते हैं, अगर उसमें कोई बीच में हल्का सा न्यूड सीन है या कुछ चीजें हैं, तो आपको उसकी व्यथा के बारे में और दिल को छूने वाली बात होती है, ना कि इसलिए कि आप
आप एक तरीके से सॉफ्ट बॉर्न बेच रहे हैं, वो वाली बात नहीं होती। और वैसी चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। एक्टर को अपना वो एक रिस्पेक्ट का दायरा बनाना चाहिए। पर्सनली सेक्रेट गेम्स करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था, उस समय तो नेटफ्लिक्स वगैरह को कोई जानता भी नहीं था हिंदुस्तान में। वेब सीरीज का जो बोलबाला था वो टीवीएफ का बोलबाला था। ये लोग क्या करने वाले थे, क्या बनाने वाले थे, नहीं पता था। पर विक्रम चंद्रा जी का ये नॉवल था, जैसे ही पता लगा कि विक्रम चंद्रा जी का नॉवल है और इसको अवार्ड्स अवार्ड मिला है, बहुत फेमस नॉवल है, तो सबसे पहले तो मैंने इनफैक्ट ऑडिशन देते साथ ही, आपको आज भी दिखाता हूँ, मैंने ये खरीद लिया था। Okay. मैंने इंटरनेट से मंगवा लिया था। 900 पन्ने की किताब है, विक्रम चंद्रा का नॉवल है ये। आपने सारी पढ़ ली 900 पन्नों की, अभी कुछ ही इसके है, पूरी पढ़ ली आपने ये किताब? नहीं, मैंने मैंने इसका कुछ 561 पेजेस के आसपास पढ़ा। Okay. इसके आगे नहीं पढ़ा मैंने अभी। बट ये जो किताब है मैंने इंटरनेट से ऑडिशन के बाद ही मंगवा ली थी। Okay. कि पता तो लगे कि मैं किस चीज का ऑडिशन देने गया था। मैंने सोचा हो या ना हो देखी जाएगी। महंगी किताब थी, काफी महंगी किताब। एटलीस्ट वो चीज नॉलेज में आनी चाहिए कि आप कौन क्या क्या करने जा रहे हो, ताकि पता चले आपको। Okay. घाटा कुछ नहीं है, किताबें आपके पास होती हैं, आप पढ़ लेते हो, पढ़ के आपको नुकसान तो कुछ नहीं है, नुकसान आपको फायदा ही हो जाएगा कुछ ना कुछ। अदरवाइज आपके पास पड़ी है तो आप कल को इसे सेकंड हैंड मार्केट में भी बेचते हैं तो पैसे तो काफी कुछ वापस दे ही देगी। काफी ऐसे बिल्कुल सही हम कि कुछ मतलब कल को बेचनी पड़े तो एटलीस्ट वो दाम पे बिक जरूर सकती है, मतलब ऐसा कहा जा सकता है। ओके ये था। एंड तो ये सीक्रेट गेम्स करते वक्त मुझे बहुत, क्योंकि आपके पास एक तो किताब है, ग्रंथ है, एक तरीके से महाभारत जैसे ग्रंथ है, तो ये भी एक तरीके का ग्रंथ है जो कि लिखा था विक्रम चंद्रा जी ने और काफी पहले लिखा था, और उसे आप तब्दील कर रहे थे, उस किताब को आप तब्दील कर रहे थे सच में। वो धीरे धीरे करके जब आपने तब्दीलियां करी और अपनी चीज, बड़ा बहुत लर्निंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एज एन एक्टर भी मैं बहुत ग्रो किया, मुझे चीजें समझ में आई दुनिया के बारे में, बॉलीवुड के बारे में। इनफैक्ट केसरी और ये सेक्रेट गेम्स, ये दो चीजें ऐसी थी जिन्होंने मुझे एज एन एक्टर बदल डाला, एज ए पर्सन भी। मतलब दूसरा फेवरेट एक्सपीरियंस मेरा केसरी है, जिसमें हम रिहर्सल किए थे, हम लोगों ने एक महीना हम लोगों ने उस स्क्रिप्ट के ऊपर, अनुराग जी जो है, अनुराग सिंह जी पंजाब के अपने, जिन्होंने 1984 बनाई थी, जट एंड जूलियट बनाई थी, तो अनुराग पाजी के साथ हम लोग काम करते थे। अनुराग पाजी ने हमें सुबह से 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, दिसंबर के महीने में, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमने कंटिन्यूसली काम किया था। पंजाब से भी बहुत सारे लड़के हैं जो कि आए थे, जो के सोल्जर्स में थे, वो वहीं रहते थे। हम बाय चांस जहाँ वो रहते थे, मेरा घर बिल्कुल वहाँ बगल में था, तो हम लोग सब इकट्ठे ही रहते थे। 7 से 7 के बाद में फिर पार्टी भी इकट्ठी करते थे, और उधर ही हमारी ट्रेनिंग होती थी, एक्टिंग वर्कशॉप होती थी। हमने वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के, हर इंसान के पास अपने किरदार की एक अपनी कहानी थी, उसका पूरा ग्रंथ था। तो मतलब हर इंसान की जो डायरी थी, अगर आप उसको उठा के एक फिल्म बनाए तो एक फिल्म आराम से बन जाएगी। तो उस दौरान कुछ नहीं तो 21 कहानियां ऐसी लिखी गई थी, 21-22 कहानियां लिखी गई थी। और हमने उस पूरी फिल्म को ऑन फ्लोर जाने से पहले नाटक के रूप में अनुराग जी को 2 बारी परफॉर्म करके भी दिखाया था। Okay. जिसमें जाहिर सी बात है अक्षय पाजी तो नहीं थे वहां पर, बिकॉज अक्षय पाजी तो बिजी एक्टर है, वो उस समय कहाँ कहाँ कैसे कैसे हूँ। तो मैं क्योंकि अलग किरदार था मेरा, 21 सोल्जर में नहीं था मैं, अक्षय पाजी का दोस्त बना हुआ था उधर, जो दूसरी जगह पे रह जाता है। देखी मैंने। तो मैं जितना यहाँ पर इधर पर, मैं अक्षय पाजी की सारी प्रॉक्सी करता था, तो उनकी आवाज में बातें करते थे, उनकी आवाज में एक्टिंग भी करते थे। इनफैक्ट मुझे एक चीज याद है, अनुराग पाजी ने मुझे बोला था कि अब तुम अपने किरदार गुलाब सिंह में घुस जाओ, मुझे सेट पे 2 अक्षय कुमार नहीं चाहिए। क्योंकि मैं उनका किरदार करता था, ईशर सर। हम अक्षय जी जैसे ही बात करते थे, क्योंकि हमें मालूम था अक्षय सर जब सेट पे आएंगे तो जो सिनेमा का एक विडंबना है कि कभी कभार हम सिनेमा में इसलिए जाते हैं क्योंकि एक्टर कौन है, इसलिए नहीं जाते कि कहानी किसकी है। तो अक्षय कुमार जी का ये रखना बहुत जरूरी हो जाता है फिर, कि मैं अक्षय कुमार हूँ, वो चीज मेरी ओरिजिनलिटी है। तो इसलिए ईशर सिंह जो थे हमारे, बोलते थे बच्चे भी भर रखे फौज में, ऐसे करके बात करते थे।
मतलब आप सेम टू सेम एक वो आ रहा है और उनका फीलिंग आ रही है अक्षय कुमार जैसी। तो आपको एक टास्क हाँ देते हैं, जैसे अक्षय कुमार जी का सेट पे करते थे ना, आपको कुछ टास्क देते हैं, आपने इसका कर दो, मन मर्जियां का कर दो बिल्कुल एंडिंग, बस मन मर्जियां से कर दो आप, मन मनमर्जी आ मर्जी और गई। सुमित्रा, हाँ मन मर्जी का कर दो अभिषेक बच्चन की मूवी का, तो उसी से मनमर्जी कर, का डायलॉग, उसी से मनमर्जी एंडिंग का कर दी। डायलॉग आपको। हाँ रुकिए एक मिनट, थोड़ा लाइट ठीक कर लें थोड़ी हाँ थोड़ा सी। सा लाइट कर लो आप। लाइट ठीक नहीं है, ये ठीक हाँ अभी तो है? ठीक है, अभी ठीक है, फेस आपका नजर आ रहा है। हाँ सो आप बोल रहे हैं मनमर्जी का डायलॉग, मजे का कर दो आप। मनमर्जिया का कौन सा डायलॉग था? मुझे डायलॉग याद ही नहीं आ रहा। कोई भी डायलॉग नहीं आ रहा। मनमर्जिया का, हाँ भैया मुझे ना वो कांची आंखों वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कल ही दिखा दे क्राइम पेट्रोल में कि एक बहू ने ना अपनी सास का गला काट के उसके सारे जेवर लेके वो भाग गई, कंची आंखें थी उसकी, पता आपको? तो ओके, अम्मी ये जी आपने कहती कौन हैं से, ये कि आपने कौन से अंदाज में बोला, कैजुअल बोला ये कैजुअल ये कैजुअल मुझे नॉर्मली बोला जैसे डायलॉग। उसके अलावा और कौन सा था? किसी को आपके इसमें बोलना है, आप कौन से अंदाज में बोलना एक्साइटेड। है? ओ भैया मुझे ना वो कंची आंखों वाली बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ सही में, अरे वो कल ही दिखा रहे थे क्राइम पेट्रोल पे, क्राइम पेट्रोल में बता रहे थे कि एक लड़की ने, एक बहू ने अपनी सास का गला काट के उसके सारे जेवर लेके वो भाग गई, पता है कंची आंखें थी उसकी। अरे मैंने मन से नहीं कह रहा, सच्ची घटना पे बता रहे थे ये। हाँ सच में पहले फनी तो ना बोल रहे हैं फनी फनी किसमें पानी। तो भैया मुझे तो हॉकी वाली पसंद है। हाँ कल ठीक दिखा रहे थे, कल दिखा रहे थे क्राइम पेट्रोल पे, एक बहू ने ना अपनी सास का गला काटा और उसके जेवर लेके भाग गई। अरे सुनो उसकी आंखें जो थी ना वो कच्ची आंखें थी। अरे नहीं अपने बच्चे अब को इसको गुस्से बता में कैसे बोलेंगे, गुस्से में एंग्री। मुझे हॉकी वाली पसंद है भैया, ये कच्ची आंखें वाली बिल्कुल नहीं पसंद। कल ही दिखा रहे थे क्राइम पेट्रोल पर कि एक बहू ने अपने सास के गला काटा और उसके सारे जेवर लेकर भाग गई, पता है कच्ची आंखें थी उसकी, समझ में आ रहा आपको? अब इसको अक्षय कुमार के अंदाज में कैसे बोलेंगे आपको, अक्षय कुमार का ऑरा चढ़ा हुआ है ना, तो अक्षय कुमार इसको कैसे बोलेंगे मन मर्जी के डायलॉग को। भैया भैया मुझे वो तो नहीं पसंद, वो हॉकी वाली ज्यादा पसंद है, वो दूसरी वाली जो उसकी गंजी आंखें हैं, वो कल ही दिखा रहे थे क्राइम पेट्रोल पर कि एक बहू ने अपनी सास का गला काटा और उसके सारे जेवर लेकर वो भाग गई, पता है गंजी आंखें थी उसकी। इतना भरोसा नहीं कर रहे थे, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सच्ची घटनाओं पर धारे थे ये, देख के कह सकते हो। वैसे बटन खुला आपका, अच्छा इसको विक्रम कौशिक के अंदाज में कैसे बोलेंगे, विक्रम का अंदाज कैसा होना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि नहीं वो हॉकी वाली ठीक है लड़की, वो दूसरी वाली ठीक नहीं है लड़की, क्योंकि कल ना क्राइम पेट्रोल पे दिखा रहे थे एक लड़की थी, मतलब एक बहू ने अपनी सास का गला काटा उसके सारे जेवर उठा के वो भाग गई, पता है वो जो बहू थी उसकी कंजी आके थी। सच्ची घटनाओं पे आधारित है, अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बात है, आप मेरी बात मानिए। फैबुलस, पंजाबी में कैसे बोलेंगे इसको। और जड़ी आएगी ना वो हॉकी खेल दिया है, वो सही आएगी कुड़ी, जड़ी दूजी कुड़ी आएगी ना वो दी कंजी आंखें, वो कंजी आंखें वाली जड़ी कुड़ी आएगी, वो बढ़िया नहीं आएगी। वो कल ही दिखाया रहे से, वो थोड़ा सीरियल नहीं आंदा क्राइम पेट्रोल, वो दिवे ची दिखाया रहे से कि वो एक बहुत ही उसने अपनी सास का गला कटा तो सारे जिन्हें भी जेवरात थे ना कर दे, वो सारे जेवर उठा के पड़ गई पे, कितने सानू पता पता ही नहीं है, नुकसान हो गया इतना भारी ना कराते, मतलब किन्नी जायदाद उठा के ले गई। हुण तुसी दसो एवें जिहड़ा जिहड़ी भी दसे तुहानू मैं किसे दसना है ना, जिहड़ी
वाहेगुरु सच्ची घटनाओं पर आधारित समझ। तो ये थी मेरे साथ क्लियर बॉ, तो ये थे मेरे साथ ही। तो मुझे हंसी आ आपको ना मतलब फेस देख के कॉमेडी का एकदम से हंसी आती। तो ये थे मेरे साथ सीनियर बॉलीवुड एक्टर विक्रम कोचर, जिन्होंने हमें लॉकडाउन के बारे में भी खूब सारी बातें की और हमें अपनी कॉमेडी से खूब हंसाया। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच विक्रम। थैंक यू, टेक केयर, बाय।